नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, माता रानी सबकी चोली में खुशियां भरे, इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई हुई विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि लौंग से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियाँ आपको बताते हैं वो सभी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है, अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसा बताया गया हुआ है। तो मित्रों, अब बात करते हैं विधि की। तो विधि में सबसे पहले जानेंगे हम समय। तो मित्रों, ये विधि आप किसी भी समय कर सकते हैं, रात्रि में करनी होगी आपको ये विधि, 12 से 12:30 के बीच में ये विधि करनी होगी, किसी भी पक्ष में, किसी भी वार में, चाहे सोमवार हो चाहे शुक्रवार हो, किसी भी वार को ये विधि आप शुरू कर सकते हैं रात्रि में, और 12 से 12:30 बजे के बीच में शुरू करनी है, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, किसी भी पक्ष में आप ये विधि कर सकते हैं। और मित्रों, महिलाएं ध्यान रखिएगा, कठिन दिनों में बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और कोई भी पुरुष या महिला ये विधि को मांस मदिरा का सेवन करने के बाद नहीं करे। तो मित्रों, विधि पे आते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, हमें विधि में चाहिए 2 लौंग। मित्रों, 2 लौंग लेनी है आपको, साबुत लौंग लेनी है, पूर्ण लौंग लेनी है, खंडित लौंग बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ऐसी जो हमने अभी लौंग बताई थी आपको, वैसी पूरी लौंग आपको लेनी होगी, फूल वाली लौंग लगेगी इसमें। 2 लौंग लेनी है मित्रों, फूल वाली, और चाहिएगा कागज, प्लेन कागज ले सकते हैं आप मित्रों। अब तो विधि की शुरुआत करते हैं। मित्रों, विधि में सबसे पहले हमें लिखना है सामने वाले का नाम और मंत्र उस कागज पे जिसको हम विधि में उपयोग कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं मंत्र लिख देता हूँ, आप बड़ा भी लिख सकते हैं जिसका वशीकरण कर रहे हैं। सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, और फिर मंत्र लिखेंगे। मित्रों, इस प्रकार से आपको सामने वाले का नाम वश्यम वश्यम भवन्ति ये आपको लिखना होगा मित्रों उस कागज़ पे, आप बीच में भी लिख सकते हैं। और फिर ये जो 2 लौंग हैं इनको इसके भीतर डालनी है। 2 लौंग की ये विधि है मित्रों, भीतर अच्छे से डाल देंगे और अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इस कागज़ को, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे मित्रों। और अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद इसको सीधे हाथ में लेंगे और इसे जो मैं आपको मंत्र बुलवा रहा हूँ उस मंत्र से अभिमंत्रित करना होगा। मित्रों, मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मित्रों मंत्र तंत्र में सबसे अहमियत रखता है। तो मंत्र अगर सही बोलोगे तो विधि उतनी ही अच्छी होगी। तो मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है, श्री तंत्र त्रिकालेश्वर शक्ति मम वशम वशम करित्व। मैं फिर से मंत्र बोल देता हूँ मित्रों, पिक्चर चला दी जाएगी आपके लिए, श्री तंत्र त्रिकालेश्वर शक्ति मम वशम वशम करित्व। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना होगा मित्रों। आपको ये जो है हमने जो पोटली नुमा ये बनाया है कागज़ को, फोल्ड को, इसको अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाना है मित्रों। ये पहले दिन का कार्य हो गया है। और फिर दूसरे दिन उठकर आप इसको कहीं भी अच्छी जगह पर, शुद्ध जगह पर रख देंगे, और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इसमें से 1 लौंग निकालेंगे, खोलेंगे इस पोटली को, 1 लौंग निकालेंगे और वो सीधे किसी भी माँ के मंदिर पे, किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर पे जाकर उनके चरणों पे अर्पित कर दोगे। तो ये मित्रों आपका हो गया पहले दिन का कार्य। फिर इसको पोटली को अपने पास रखकर इसको अपने साथ रखना है मित्रों, अपने से बिल्कुल भी अलग नहीं करना है, अपने साथ रखना है इसको, पॉकेट में डाल के रखना है इसको, अपने पास रख लोगे और फिर आप अपने काम में लग जाएंगे दिन में।
और अपने काम में लग जाने के बाद, पूरे दिन अपना काम करने के बाद रात्रि फिर से दूसरे दिन की रात्रि 12 से 12:30 के बीच फिर से आपको इसको सीधे हाथ में लेना है, एक लौंग को, और इस कागज़ को सीधे हाथ में लेने के बाद इसे अभिमंत्रित करना होगा। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनेगा। मंत्र है श्री तंत्र त्रिकालेश्वर शक्ति मम वशम वशम करित्व। फिर से 291 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और फिर से सिरहाने के पास रखकर आप इसे सो जाएंगे। तो मित्रों, ये दूसरे दिन की रात्रि का कार्य हो गया है। फिर सुबह उठकर आपको फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर इसमें से फिर से एक लौंग निकालना है और माँ के मंदिर पे अर्पित कर देना है। एक लौंग निकाल कर फिर से माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे और फिर मित्रों ये आप अपने घर आ जाएंगे। घर आने के बाद इस कागज़ को आपको जला देना है। मित्रों, इस कागज़ को आपको जला देना है। कागज़ जल जाने के बाद कुछ इस प्रकार से राख हो जाएगी इसकी और कुछ मित्रों कागज़ के अवशेष बचेंगे। मैंने ये आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो अवशेष हैं ये अभिमंत्रित अवशेष हैं, तो इनको आपको इधर उधर नहीं गिराना है, इधर उधर फेंकना नहीं है कचरा समझ कर। इसको आपको पीपल के पेड़ में डाल देना है अगर बचे तो। और राख बन जाने के बाद मित्रों दूसरे दिन ही जब आप ये जो लास्ट वाला जो लौंग रख के आने के बाद मित्रों मंदिर से सीधे आएंगे, आप कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, मंदिर से सीधे आएंगे। स्नान आदि से निवृत्त हो सकते हैं, चाहे मुँह हाथ धो के कागज़ को जलाना है। कागज़ को जलाने के बाद इसकी जो राख है इसका अपने तिलक लगाना है, ठीक है मित्रों। और ये विधि जैसे लौंग रखोगे वैसे संपन्न तो हो जाएगी, पर कागज़ चलाना है और इसकी राख को जब तक ये राख है तब तक इसका तिलक करना होगा आपको। जब तक ये राख रहेगी तब तक तिलक करना होगा। विधि आपकी 2 दिन में पूरी हो जाएगी। 2 दिन में विधि पूरी हो जाने के बाद आपको आपका परिणाम भी जल्दी ही मिल जाएगा, पर ये जो राख है इसका आपको तिलक करना होगा जब तक ये राख रहेगी आपके पास तब तक। और जब तक ये राख आपके पास रहेगी इसको संभाल के रखना है, कहीं छुपा के रखना है, घर वालों की नज़रों से दूर, सबकी नज़रों से दूर एक बर्तन में आपको इस राख को रखना होगा। इसी के साथ मित्रों ये विधि यहीं संपन्न हो जाती है। 2 दिनों की ये विधि है मित्रों, 2 दिनों में आपका कार्य पूरा हो जाएगा और जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। आप भी इसे उतना ही प्यार करने लगेगा जितना आप उसे प्यार करते हैं। तो मित्रों ध्यान से कीजिएगा विधि को, विधि में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। विधि में अगर कोई भी आपके मन में कोई शंका है तो आप हमारे नंबर पर हमारे गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरीके से समझा देंगे। मित्रों विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।